वोकल फॉर लोकल, समझ पाए? अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्यों, अगर महंगाई बढ़ गई कपड़े उतारो पत पत्ते पहनो, ये भी दिन दूर नहीं है। इस आंदोलन से एक सबसे अच्छी चीज ये हो रही है और इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट बीजेपी को भी दे देते हैं। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज घरों में ना आप किसी के घर पे जाओगे ना, वही मैं तो वही कहती हूँ कि सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। असली खाली वो हैं जिनकी जेबें गर्म हैं, जिनको मीडिया के अंदर जाना है, पैसा रात को उनके अकाउंट में आ जाएगा, सुबह वही बकना है जो लिख कर दिया है। असली खाली वही हैं। हमारे मान के चलिएगा, जिस भी देश में जब कैपिटलिज्म आता है ना, जब इस तरीके का डिक्टेटर कोई आता है और सब पूंजीवाद के हाथ में जाने का दौर आ जाता है, उस देश का हाल ऐसे शुरू होता है। अजी हाँ, बैरिकेडिंग रोक क्यों नहीं लिया, कर क्यों कुछ उखाड़ क्यों नहीं लिया? किसानों से जीतना आसान है क्या? मतलब मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तरीके से देखती हैं आप, लगातार किसान आंदोलन को रोककर पहले दिन से ही एक्टिव हैं, लगातार सरकार के बीच और किसानों के बीच भी मीटिंग चली है, कुछ नजर हल निकलता आ नहीं रहा है। देखिए, हल निकालने की मंशा होनी चाहिए। जब हल निकालने की आपकी मंशा ही नहीं है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो आंदोलनकारियों का हौसला टूट जाए, या तो जिस तरीके से 26 तारीख को किया इस तरीके का कोई और मूवमेंट करके, क्योंकि वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आपकी जब मंशा ही करप्ट है, आपकी मंशा में ही खोट है, तो आप कैसे चाहेंगे किसी चीज़ का हल निकल जाए? तो आपको, आपके लिए अपनी जिम्मेदारी, आपको आज बंगाल दिख रहा है, आपको आज चुनाव दिख रहा है हर जगह पर, खैर आपने पंजाब से जो मार खाई है वो आई होप ऐसा जज्बा ऐसा इनकलाब हर जगह पे आए, लेकिन जब आपको अपने मुनाफेखोर चीज़ें दिखती हैं जहाँ से आपका मुनाफा होगा, तब आपके लिए मैटर नहीं करता कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। चाहे वो हमारे किसानों की जान जाए, चाहे यहाँ पे बुजुर्ग किसानों की जान जा रही है, चाहे किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे इस आंदोलन की रूपरेखा खराब करने में सरकार का पूरा हाथ रहा हो, वो चाहे किसी को खालिस्तानी या पाकिस्तानी बताना, वो हर आंदोलन में उनका रहा होगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है आपके सवाल से मैं कहती हूँ, अब जिसका पर्दाफाश होना है ना वो हो चुका है। अब ये जितना भी देखो, ये डरा सकते हैं, देखो अब डरने भी नहीं वाले लोग, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? वो डराने की कोशिश कर सकते हैं, धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, बस वो यही कर सकते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। तो यही होता है जी, ये अब तक तो होता आ रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो यही सारी चीजें कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे लें। जैसे किसी ने आंदोलनजीवी कह दिया, आंदोलनजीवी के उससे बड़ा टुकड़ों पे पलने वाला कम था। 2014 के पहले बापू की तारीफ कौन करता था? जब बापू से मुनाफा खत्म, तो बापू को उठा के जेल में डाल दिया, तब बापू के कुकर्म चिट्ठे सामने आ गए। कोई जवाब दी है? कोई पूछ सकता है क्या उनसे? 2014 के पहले आंदोलन करने की हिस्ट्री किसकी सबसे ज्यादा थी? पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, एलपीजी गैस के दाम बढ़ते थे, सिलेंडर के दाम जब बढ़ते थे तो सड़कों पे आके कौन हल्ला करता था? किनकी महिलाएं थी, कौन था वो? आज चुप्पी साधे हैं। अगर एक औरत का रेप भी हो जाता है ना, तो इनकी औरतें जो शासन में प्रशासन वहां बैठी हैं, मुंह से चू नहीं करेंगी, उनकी जुबान नहीं है। स्पाइनलेस वुमेन जिन्हें कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उनकी, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो डिसबैलेंस है। वो थाली के बैंगन होते हैं ना, वो इधर लोड जाओ उधर, जहाँ पे मालिक कहे वहाँ पे, तो ये हाल हो रहा है। मैम, लोग यहाँ पर आए सरकार की नाक में नकेल डालने, लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसानों के उन्होंने नाल लगा दिए, बैरिकेटिंग। अजी हाँ, बैरिकेटिंग रोक क्यों नहीं लिया, कर क्यों कुछ उखाड़ क्यों नहीं लिया? किसानों से जीतना आसान है क्या? मतलब किसान, आप कह रहे हो कि नकेल डालने आए हैं, ये आंदोलन इतिहास है अपने आप में, इट्स नॉट। मान लीजिए आज जीत नहीं है, कल नहीं है, परसों निश्चित है, लेकिन जो इस आंदोलन से अवेयरनेस और जो क्रांति हो रही है ना, वो आप कहीं नहीं देखेंगे। 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे, 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे, देखा 30 साल में, 25-30 सालों की हिस्ट्री में, अपने इतिहास की, देखा कोई ऐसा आंदोलन, देखी ऐसी मास जागरूकता? यहाँ पे पाठशाला चल रही है, वहाँ पे लंगर चल रहा है, वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे पीछे कैमरा स्कूल है, सांझी सत्य है, सारी चीजें देखी कभी किसी आंदोलन की ऐसी रूपरेखा? सबको तो फर्जी बता रहे हैं। मैं तो वही कहती हूँ कि सब फर्जी है, सब फर्जी है। असली खाली वो है जिनकी जेबें गर्म है, जिनको मीडिया के अंदर जाना है, पैसा रात को उनके अकाउंट में आ जाएगा, सुबह वही बकना है जो लिख कर दिया है। असली खाली वही है। हमारी जेब थोड़ी ना गर्म है, अगर हो हमें खरीद सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। हमारी जेब कोई गर्म कर सकता है? नहीं। तो हमारी ये चीजें नहीं हो सकती, तो फिर बताओ, जब ये सारी चीजें नहीं हो सकती, जिनको मिल रहा है, जो देश का करने ही बुरा आए हैं, वो तो करेंगे ना ये काम, तो जब आपकी जेब गर्म हो रही है रात को, तो आप वही बोलोगे ना जो मालिक कहेगा, तो यही तो हो रहा है इस देश में। अमित शाह साहब तो जो है बंगाल के किसानों को मुनाफा देने की बात करते हैं कि हम उनके इंसाफ के लिए आए हैं। जितना मुनाफा देश के और किसानों को दे दिया, उतना मुनाफा ही वहाँ देंगे। कहते हैं ना, जो झूठ वहाँ पे वो बुन रहे हैं ना, वहाँ पे किसान दूर नहीं है।
आज ही आपको मन से सुना भी होगा आपने कि उन्होंने कहा कि 23 मार्च तक का राकेश टिकैत जी ने कहा हमारा प्लान है। आई डोंट नो व्हाट दैट प्लान इज, क्योंकि वो किसान लीडर्स का में भी होगा कुछ उसमें, बट ये लंबी लड़ाई है और इसमें जो जो इन्होंने ठान लिया है ना, अभी मैंने जो कल की न्यूज रिपोर्ट सुनी है वो बंगाल जाने वाले और वो पहुंच जाएंगे। कितनी देर गुमराह करोगे, कितनी देर लोगों को डराओ धमकाओगे, यही होगा। आप देखना इस चीज को, आप कह रहे हो ना कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जब पहले मीटिंग्स होती रहती थी 26 से पहले ना, हमें भी लगता था आज होगा कुछ, कल होगा, हर मीटिंग के बाद एक दिल में रहता था कि अब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं ना, एटलीस्ट आवाम जागरूक होगी, मास जो आवाम के जो हक है ना, हकूक हक की जो बात होती है, उनको पता चल गया हमारे हक क्या है। और इस आंदोलन से एक सबसे अच्छी चीज ये हो रही है, और इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट बीजेपी को भी दे देते हैं। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज घरों में ना, आप किसी के घर पे जाओगे ना, बुड्ढी माँ भी मोदी को गाली दे रही होगी, पॉलिटिक्स समझ रही होगी। सीरियसली, बुजुर्ग माँ, माता, पिता, बहनें, जिनको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, जिन्होंने शायद किताबें भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी मोदी समझ गई क्या है, वो भी समझ गई कि कितना प्रधानमंत्री पहला ऐसा जो सबसे ज्यादा दुनिया में झूठ बोलता है, वो भी पॉलिटिक्स डिस्कस करती है। तो एटलीस्ट आप लोग पॉलिटिकल अवेयर हुए ना, वी अंडरस्टैंड कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता तब तक सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत दूर की बात है, बट एटलीस्ट छोटे छोटे लेवल पे शुरू हो रहा है। तो इनकी सरकार का शुक्रिया अदा करो, सबको अवेयर कर दिया, अपने हक की बात कर रहे हो आप, एजुकेशन की बात कर रहे हो आप, आज आप बोल रहे हो, आवाज उठा रहे हो, ये कोशिश करेंगे आपकी आवाज को दबाने की, लेकिन आपको दबना थोड़ी है। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो संविधान के बाहर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, वी आर चेजिंग दैट। संविधान कहते हैं वॉइस का, आपकी जो आवाज है उसका अधिकार है, मैं उसका पूरा फायदा उठा रही हूँ, सब उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्यों क्यों ना बोले। वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसको ये किल करना चाहते हैं कि मैंने, अगर इन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका कहा कि आई डिसएग्री, मैं अपना डिसेंट देती हूँ, तो उसको ये काटना चाहते हैं, उसको डरा धमका के जेल में डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यही ये करते आए हैं, सबको पता चल चुका है। उसके ऊपर क्या, संविधान के बाहर तो ये भी अपनी सीमा नहीं कर सकते क्रॉस। तो ये समाज जो आज का है वो इतना कमजोर नहीं है इस चीज को लड़ने के लिए। जी, पंजाब में इलेक्शन हुआ है, पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी को झटका मिला है, क्या लगता है अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसा कुछ होने वाला? आंधी है अभी तो, ये आंधी है आगे और आप देखते जाओ क्या है। लेकिन ये तो अभी छोटे स्तर का था ना, तो इससे क्या बड़ा, तो छोटे स्तर से आपके पहले बिल्डिंग ऊपर से खड़ी करते हैं, नीचे से खड़ी करते हैं आप, जब हम लोग जब शायद इन चीजों को समझ भी नहीं रहे होंगे ना 2014 में, तो बीजेपी कैसे आई और कैसे क्या हुआ पता भी नहीं होगा। दिख रहे हैं अन्ना जी कहाँ थे, अन्ना जी कहाँ, कोई आया आंदोलन पूरे देश में रचा, गद्दी पे कौन बैठा है, प्रधानमंत्री कौन है, पता चला? तो ये आपको काम करना है, अवेयरनेस अब आपके हाथ में है, आपको बताना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर, और आपको बताना चाहिए कि बेस अगर मजबूत होगा तो आप उसके ऊपर ढांचा जितना मर्जी बड़ा खड़ा करें, छोटे से ही शुरुआत होगी ऊपर, आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, राइट। पेट्रोल डीजल के तो जो दाम बढ़ रहे हैं उसपे क्या कहना है, 80-90 पूरे 100 क्या कहना है, मुझे तो वही कहना है जो वो लाला रामदेव जो बार बार बोलता रहता था, मूर्ख इंसान, जिसने समझ पाए आप लोग वोकल फॉर लोकल, समझ पाए, अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, कपड़े उतारो, पत्ते पहनो, ये भी दिन दूर नहीं है। तो ये हम लोगों को समझना, आप लोगों को समझना है, ये चीज तो हमें समझनी है ना, कि वो इंसान जो कहता आया था 35 रुपए में पेट्रोल, बच्चों को बोल रहा है, बच्चे क्या होते हैं, आप बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो, मतलब अभी जब उनका बेस बन रहा है तब आप 2014 से बोलते हैं गुमराह कर दिया पूरे लोगों को। असली बात यह है कि विपक्ष निकम्मा, अगर विपक्ष मजबूत हो ना तो ये बात ही ना हो। विपक्ष कौन आज, मैं, आप, पत्रकार, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स जो हैं, जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो सारा विपक्ष है। विपक्ष है नहीं है, विपक्ष भूल गया कि उसका रोल क्या है 2014 के बाद, वो अपना अस्तित्व ही खोज रहा है 2014 के बाद, उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, वी लैक लीडरशिप, एंड मोदी इज मेड गॉड, मोदी इज मेड मोदी बाय दिस मीडिया, जिन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, जो चौथा स्तंभ माना चाहता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिसपे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे सड़कों पे बैठा उसे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई, क्या दिक्कत है, एलपीजी के गैस क्यों बढ़े, क्या दिक्कत है, एलपीजी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, वो उसका काम था, वो बोल सकती थी कि कांग्रेस के टाइम पे ये था तो भाजपा के टाइम पे ये हो रहा है। आज आपकी जेब से कैसे पैसा लेकर जा रही है सरकार, पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है? सुनिए सुनिए, देश हित के लिए, देश हित के लिए तो हो रहा है, देश हित के लिए चुनाव हो रहा है बंगाल में, पेट्रोल के दाम तभी तेज के होते हैं जब चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ का पैसा सीधा जेब में जाता है, वो जो चीज आप 30-35 रुपए में खरीदते हो वो आप आज 90 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हो, क्यों आज ही क्यों होगा? अरे कब समझोगे इन चीजों को, तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझोगे तो कौन समझेंगे? ये मुनाफा, ये चीजें, बढ़ोतरी, ये
यू नो तभी क्यों होता है प्राइस में वो सर्च इन्फ्लेशन जब चुनाव पास हो, क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे ये चीज, आप ही के बनाए हो। पहले बोलेंगे स्टैचू लगाते हैं, गुजरात में स्टैचू बनाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, राइट, करोड़ों रुपए खर्च करके स्टैचू बनाए, अरे फिर इसी ऑडियंस को वो स्टैचू देखने जाना, फिर पहले आपके टैक्स पे से स्टैचू बनता है, फिर आप स्टैचू को देखने जाते हैं, फिर टिकट देते हैं। है कोई मूर्ख आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा? तो हम नहीं, अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये प्रचार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा ना, या आप लोग भी गोदी मीडिया वाला काम करोगे? आप सोचो, अभी यहाँ पाठशाला चल रही है इस बॉर्डर पे, ये काम हो रहा है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। आप सब भी दीजिएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, दिन रात सड़कों पे रहते हैं न्यूज की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप मुझे बताओ, ये देश जो विश्व गुरु की बात करता है, ये देश जो इतिहास कायम करने की बात करता है, जो न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट कहाँ है ये सारी चीजें? ये इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु का प्रधानमंत्री, जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हुक्मरान हूँ, जिसका 56 का चीन सीना है, जिसके पास इतना पैसा है और इतना दिमाग है कि अपनी फोटो वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे भेज सकता है अलोंग विद भगवत गीता, उसके उसी के देश में आप हालात देखिए कि मैनुअल स्केवेंजर आज भी मैला जो नालियों में उतरता है वो अपने हाथों से गंदगी साफ करता है। आज भी शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार खाने को नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे लोग सड़कों पे सो रहे हैं, छत नहीं है, तो वो कैसा विश्व गुरु हुआ? जब आप इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के निकल सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं, जिस जगहों पे आप बैठते हैं, जिस जनता का वोट लेकर, उस जगहों पे वही जनता कभी नहीं जा सकती। और धरती तो छोड़िए, यहाँ इस देश में और इस धरती का भला क्या करना था? अपनी तस्वीरें पब्लिसिटी आप मार्च तक वहां पे कर रहे हैं जाकर, वहां आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इस ग्रह में तो लोग खुश नहीं है, इस प्लैनेट में लोग प्रताड़ित है, वहां किसकी जिंदगी आप ठीक कर रहे हैं? वहां भी अपनी शक्ल दिखा के किसका इतिहास बदलने जा रहे हैं आप? तो ये चीज सोचने की है कि इस प्लैनेट में तो लोग खुश नहीं है आपसे, उस प्लैनेट में आप क्या कर रहे हैं? देश बदलना चाहते हैं, देश, मैं तो कह रही हूँ वो पूरा देश क्या वर्ल्ड ही बदल देंगे अगर ऐसा करते रहे, आप ही लोग देश छोड़ के भाग जाओगे। तो यही ये चाहते होंगे, सच में यही हो जाए। आपको दिक्कत है, महंगाई से भी आपको दिक्कत है, तो राजनीति में 100 रुपए पेट्रोल नहीं ले सकती आप? अरे मैं तो कह रही हूँ आप 1000 रुपए पेट्रोल करो, सब ले लेंगे हम। हम ही तो बैठे हैं, हम लोगों की जेब में इतना पैसा मोदी जी भरते हैं। अभी हम घर जाएंगे ना, रात को हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। भाजपा इतना पैसा देती है आप लोगों को, राष्ट्र हित में हम लोग सब करने के लिए तैयार है। आप शिक्षा को भी कॉर्पोरेट घरानों में दे दीजिए, आप हमारे बैंक ले लीजिए, नहीं रोका। आप सबसे पहले संविधान को खत्म कर दीजिए। वो कहती है ना मऊ में मित्रा चला के कि संविधान बदल दीजिए, बदलने की नियत है ना, हटा दीजिए सेकुलर वर्ड जो भी आपके उसके अंदर, जो भी हमारे राइट्स है, सब चीजों को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए सब कुछ। हम सब कुछ देश हित के लिए करने के लिए तैयार है। उससे पहले आपको एक चीज का जवाब देना पड़ेगा मेरी बात का। आप मुझे बताएं, मोदी जी ने आज दिन तक देश हित के लिए क्या किया? ये आप मुझे बताएं, पत्रकार है ना, आप मुझे बताएं। सोचिए, 18 घंटे काम करके अगर देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, देश का ऐसा नाश किया है कि ना ही देश की इकोनॉमी उठ पा रही है, GDP खड्डे में चलेगी, सब कुछ, भूखों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आए आपके 15 लाख आए, आप लोगों के अकाउंट में आ गए, मेरे नहीं आए। CM से PM बन गया वो इंसान, कर्ज माफ करता करता किसानों का, और आज देश का किसान सड़कों पे है, और आत्महत्या तब भी इतिहास था, और आत्महत्या इस आंदोलन से भी हो रहा है। 1 सेकंड, और अभी ऐसे बेटा, और आज खबर पढ़िएगा, एक बाप बेटा ने फिर आत्महत्या की, जो मैंने सुनी है आज सोशल मीडिया पे फ्लैश हो रही थी, कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कह रहा है देश में। आप क्या ये चाहते हैं कि आपके किसी फर्जी बकवास से ये दुनिया खुद ही अपने आप को सुसाइड या इस तरीके की चीजें बुजदली में उतरती जाए, ताकि सब आपके गुलाम बन जाए? मान के चलिएगा, जिस भी देश में जब कैपिटलिज्म आता है ना, जब इस तरीके का डिक्टेटर कोई आता है और सब पूंजीवाद के हाथ में जाने का दौर आ जाता है, उस देश का हाल ऐसे शुरू होता है।